हेलो, आज की क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जिनका मैथ्स ठीक नहीं है, जिनका मैथ्स खराब है, जिनका दुख दर्द है मैथ्स, उनके लिए है। इस सीरीज का पहला चैप्टर है इंटीजर, क्योंकि यही बेस बनाएगा पूरे मैथ्स का। इसमें हम लोग नंबर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर में सभी काउंटिंग नंबर आएंगे, जिनको गिना जा सकता है वो सभी नंबर्स आते हैं। तो ऑल दी काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर, इसमें सभी काउंटिंग नंबर आते हैं, काउंटिंग नंबर्स। अब इसमें कैच क्या है? इसमें जीरो नहीं आता है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। होल नंबर किसे बोलेंगे? तो जीरो, जीरो प्लस ऑल द काउंटिंग नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर। जीरो और नेचुरल नंबर सब सबको मिला देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। जीरो में अगर बाकी नेचुरल नंबर मिला देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। तीसरा इवन नंबर, नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू, नंबर विच इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई टू। ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें इवन नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें इवन नंबर बोलते हैं। तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, सभी काउंटिंग नंबर क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर, इसमें जीरो नहीं आएगा। दूसरा होल नंबर, जीरो और सभी नेचुरल नंबर को मिला देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। जीरो प्लस नेचुरल नंबर मीन्स होल नंबर। इसका मतलब जीरो होल नंबर में आएगा या नेचुरल नंबर में? होल नंबर में। इवन नंबर किसको बोलते हैं? वो सभी नंबर जो टू से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें इवन नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट ऑड नंबर, नंबर विच इज नॉट डिविजिबल, डिविजिबल बाई टू। वो नंबर जो टू से नहीं डिवाइड हो सकते हैं उन्हें ऑड नंबर बोलते हैं। वो नंबर जो टू से नहीं डिवाइड होते हैं उन्हें ऑड नंबर बोलते हैं। अगला है प्राइम नंबर, नंबर विच इज डिविजिबल, नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो वन और खुद को छोड़कर किसी और से नहीं डिवाइड होता है उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। जीरो क्या है? तो जीरो ना पॉजिटिव है, जीरो इट इज नाइदर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ये ना प्लस में है ना माइनस में है, जीरो खुद है, जीरो अकेले ही है, ना ये प्लस है ना ये माइनस है। कैसे? जरा समझते हैं। अगर एक नंबर लाइन खींचा जाए तो उसके जो बीचों बीच वाला पॉइंट है वो क्या है? जीरो। और जीरो के राइट हैंड साइड में जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैल्यू बढ़ता जाएगा, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जैसे बढ़ते जाएंगे वैल्यू घटता जाएगा। जैसे जीरो के बाद आएगा वन राइट हैंड साइड में, उसके बाद आएगा टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर। अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाए तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। राइट हैंड में जितना हम आगे जाएंगे वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा। राइट हैंड में जितना आगे जाएंगे वैल्यू उतना ही बढ़ेगा, और इसके विपरीत लेफ्ट हैंड में जितना आगे जाएंगे वैल्यू उतना घटेगा। इट मीन्स कि माइनस फोर जो होगा वो माइनस थ्री से छोटा होगा। माइनस फोर जो है वो माइनस थ्री से क्या है? छोटा है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड में जितना आगे बढ़ेंगे वैल्यू उतना ही घटता जाएगा। लेफ्ट साइड में आगे बढ़ने पर वैल्यू घटता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिनको हमें सीखना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडिशन से। एडिशन,
एडिशन मतलब होता है जोड़ करना, योग करना। इसको देखते हैं, 3 प्लस 3 ये तो सबको आता है, 6 होगा। वही हम बोल रहे हैं 3 माइनस 3, तो ये भी सबको पता है 0 होगा, 3 है, 3 में से 3 गया, 0 ही वैल्यू आएगा। पर अगर थोड़ा सा हम इसमें चेंज लाएं, अगर हम ये वैल्यू बना दें +6 -3, तो भी ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम ऐसे कर दें कि -6 + 3, तो जब भी वैल्यू जो दिया हुआ है उसका साइन अलग अलग होगा, जब भी साइन अलग अलग होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बड़े वाले का साइन लगाएंगे। साइन अलग अलग जब भी होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बड़े वाले का साइन लगाएंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3। बड़ा वाला कौन है, 6। 6 के पास क्या है, माइनस, तो इधर लगा देंगे माइनस। थोड़ा और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर हमारे पास हो -47 + 3, कितना वैल्यू आएगा, अलग अलग साइन है, घटा देंगे, घटाने पर कितना आएगा, 44। बड़े वाले का साइन लगा देंगे, बड़े वाला क्या है, 47, और 47 के पास क्या है, माइनस, तो इधर लगा देंगे माइनस। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए -3 -3 इस वाले में, तो जब भी साइन सेम आएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट, उस समय क्या करेंगे, नॉर्मली जोड़ लेंगे, 3 और 3 6, और जो साइन लगा रहेगा उसी को लगा देंगे। लगा दिए, जब साइन सेम है तो ऐड होगा, साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट होगा, साइन सेम होगा तो उसी को लगा देंगे, और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो बड़े वाले का साइन लगा देंगे। इसको थोड़ा लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, तो नोट बना लेते हैं, नोट। सेम साइन ऐड हो जाएगा, सेम साइन ऐड हो जाएगा और दिया हुआ साइन लग जाएगा, दिया हुआ साइन लग जाएगा, लग जाएगा। लेकिन यही अगर साइन अपोजिट हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो दूसरा पॉइंट है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बड़े वाले का साइन लग जाएगा, बड़े वाले का साइन लग जाएगा, बड़े वाले का साइन लग जाएगा, ऐसा कुछ है। तो इस पूरे नियम को याद रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ। आप लोगों को करना क्या है कि पहले इन क्वेश्चंस को रोक के ट्राई करना है कि आपको आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आप वीडियो को चला के और चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलती। तो चेक करते हैं कुछ प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है -3 -4, दूसरा क्वेश्चन है +4 -5, तीसरा क्वेश्चन है -47 + 23, और इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है -47 - 23, और लास्ट क्वेश्चन है -60 + 5। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को लगा चुके हो वीडियो पॉज करके, तो फिर इसका आंसर देख लीजिए। अगर अभी हमने पहले ही लिखा है इधर कि जब साइन सेम होगा तो ऐड हो जाएगा, साइन जब सेम होगा तो ऐड हो जाएगा, तो साइन सेम है इसको ऐड कर देंगे, 4 और 3 7, और सेम साइन है तो लगा देंगे, तो 4 3 7 दोनों माइनस है तो इधर माइनस लगा देंगे। इसको अगर देखें तो ये दोनों साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू आएगा 1, बड़ा वाला क्या है माइनस में, तो इधर माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक प्लस में है एक माइनस में है, और जब साइन अलग अलग रहेगा तो घटा देंगे, घटाइए, तो अगर 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4, और 2, 4 में से 2 गया कितना बचेगा, 2,
बड़ा वाला क्या है माइनस, तो इधर लगा देंगे माइनस। इस वाले क्वेश्चन पे सेम साइन ऐड हो जाएगा, तो 7 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, दोनों में माइनस है तो इधर भी क्या लगा देंगे माइनस। अगला क्वेश्चन, साइन अपोजिट होगा तो घट जाएगा, 60 में से 5 किया बचेगा 55, और बड़े वाले के आगे माइनस लगाया तो इधर माइनस लगा देंगे। इन सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से देखेंगे, देखिए कोई दिक्कत ना हो। आगे अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस घटाना, डिफरेंस डिफरेंस के लिए भी ऐसा ही नियम है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। और डिफरेंस को समझने से पहले ए, प्लस माइनस वाला जो भी इंटीजर चैप्टर है इसमें सबको एक नियम पहले से याद रहता है कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। यहाँ पे जब भी सेम साइन में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस आएगा, सेम साइन में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस आएगा, सेम साइन में मल्टीप्लाई होगा तो, और अपोजिट साइन में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। तो इसको देखते हैं जरा इसका यूज है इसमें कैसे। पहला क्वेश्चन, हम कहें -2 को घटाना है -3 में से। आप लोग रोक के इसको, आप लोग रोक के इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगला है -4 -5, इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ पे लगा के दिखाएं तो समझें, ये माइनस है, ये ब्रैकेट है और ये माइनस है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। आप लोग नोट्स और से बनाएं, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस 3, और पहले से तो ये -2 पड़ा हुआ है तो -2, और इससे पहले वाला नियम हमको याद है कि जब एक प्लस में रहेगा एक माइनस में तो घटा लेंगे, घटा लिए आंसर आ गया 1, बड़े वाले का साइन लगा देंगे प्लस। इसको देखते हैं, ये प्लस में है, प्लस इंटू माइनस माइनस, वो -4 पहले से ही है और ये हो गया -5, -5, तो दोनों साइन सेम है तो जुट जाएगा 4 और 5 9 माइनस में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। -47 माइनस -23, चौथा क्वेश्चन, -5 -6। अब इन सभी का वैल्यू निकालना है, तो शुरुआत इससे करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 23, और ये पहले से पड़ा हुआ है 47, 47। दोनों का वैल्यू अलग अलग है, सॉरी दोनों के साइन अलग अलग है तो वैल्यूज को घटा देंगे, 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, बड़े वाले का साइन माइनस है तो इधर लगा देंगे माइनस। अगला क्वेश्चन, ये +6 है, अब और प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हो जाएगा -6, और -5 पहले से पड़ा हुआ है तो हो गया -5, सेम साइन है ऐड जाएगा 6 और 5 11 माइनस में। तो इस तरह से आप लोग को ये क्वेश्चंस करने हैं, एकदम ध्यान से करिए, आराम से आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे। थैंक यू।